दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। देश के केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आखिर माफी मांग क्यों रहे हैं? क्षेत्रीय सांसद भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता कुलस्ते ने आखिर निवास के विधानसभा इलेक्शन का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें क्षमा क्यों मांग रहे हैं? कारण कुछ तो है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की जिम्मेदारी ये सब कार्यकर्ताओं की है और इसलिए मैंने कहा कि भैया कोई गलती हो गई होगी। कांग्रेस ने पाप किया, हमने पाप नहीं किया, परंतु किसी कारण से किसी कार्यकर्ता को कोई ठेस पहुंच गया हो तो मैं सबसे माफी चाहता हूं सार्वजनिक तौर से कि आप जो भी होगा मेरे को गाली दे लेना, बैठा करके बात कर लेना, परंतु पार्टी के साथ गड़बड़ी मत करना। हमारे यहाँ बहुत, यदि पिछले चुनाव की ही बात कर लें तो यह वही इलाका है जहाँ फग्गन सिंह कुलस्ते का निवास स्थान भी है और इस स्थान का नाम भी निवास है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के हक में मतदाताओं ने फैसला किया था। इन दिनों मध्य प्रदेश में चुनावी कवायदें तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति जो है पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी सीटों पर फोकस कर रही है। जहाँ मध्य प्रदेश की सत्तासीन सरकार आदिवासियों को लुभाने के लिए करोड़ों रुपए का रविदास भवन मंदिर बना रही है, वहीं कांग्रेस जो है जनजाति यात्रा निकाल कर आदिवासियों को रिझा रही है। लेकिन सीधी में लघु संख्या संकट और विभिन्न आदिवासियों के शोषण की घटनाएं आदिवासी क्षेत्रों में सत्तासीन सरकार जो पार्टी है उसके विरोध में होती जा रही है। और यदि बात फग्गन सिंह कुलस्ते की करें तो वो मंडला आदिवासी जिले से आते हैं, जहां मंडला, सिवनी और नरसिंहपुर का कुछ इलाका उनके संसदीय सीटों पर पड़ता है, जिसमें आदिवासी मतों का भारी प्रतिशत भी है। और पिछले इलेक्शन में जब अपने ही घर में मुंह की खाने की स्थिति बन गई थी तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को रिझाना और पटाना जरूरी है। निवास इलाके में लगातार इस पूरे मंडला जिले में इन दिनों कार्यकर्ता भाजपा का सम्मेलन हो रहा है और उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते शिरकत कर रहे हैं। इससे यह तय होता है कि वो अब अपने कार्यकर्ताओं को संगठित भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह माफी और यह क्षमा याचना कितनी कारगर होगी यह आने वाले समय बताएगा। लेकिन यह तो तय है कि मंत्री जी के पास काम गिनाने को नहीं है, शायद इसीलिए अब कार्यकर्ताओं से माफी मांग रहे हैं, कल मतदाताओं से माफी मांगेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।